आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपना आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक कर सकते हो, वो भी अपने फ़ोन से और अपने घर पे बैठे अपने स्मार्टफोन के मदद से। या अगर आप चाहो तो किसी भी साइबर में जा के वहाँ पे आप लोग अपना आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे कि कैसे हम लोग लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा या आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करके वहां से कर सकते हो। मैं जो प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस के माध्यम से आपको उसको करना है, इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है ई फिल, या फिर ई फिलिंग कुछ भी आप सर्च यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है वो दिख जाएगा। अब आपको इस इनकम टैक्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो पेज ओपन होता है कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। सबसे पहले आप लोग क्या करो कि यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा है आपको, जो 3 डॉट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करो और इसको डेस्कटॉप साइट पे कर लो, जिससे हम लोगों को ये फॉर्म अप्लाई करने में आसानी होगा, इसको हम लोगों को लिंक करने में आसानी होगा, जो कि हम लोगों को पूरा दिख जाएगा यहाँ से। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखेगा एक ऑप्शन जहाँ पे लिखा है लिंक आधार। तो आपको यहाँ लिंक आधार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका जो अगला पेज है वो ओपन होगा, और यहाँ से आप लोग अपना जो आधार कार्ड है उसको अपने पैन कार्ड से लिंक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट पेज है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलता है पैन, आधार नंबर, नेम एज पर आधार, और यहाँ पे एक और चीज़ है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। जिन लोगों के आधार कार्ड पे डेट और मंथ मेंशन ना हो, सिर्फ ईयर ही मेंशन हो, वो लोग यहाँ पे टिक कर सकते हैं। जहाँ पे लिखा है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, तो वो लोग यहाँ पे क्लिक करके बता सकते हैं कि मेरे मतलब जो मेरा आधार कार्ड है उस पर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे सिर्फ ईयर ही है, डेट नहीं है, मंथ नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैन अपना पैन नंबर जो है उसको डाल देंगे यहाँ पे। और पैन नंबर डालने के बाद उसके नीचे हम लोगों को क्या करना है, अपना जो आधार नंबर है उसको इंटर कर देना है। उसके बाद जो आपके आधार कार्ड पे नाम है नेम एज पर आधार, उस नाम को यहाँ पे आपको भर देना है। भरने के बाद अगर मैंने जो चीज़ बताया कि अगर आपके आधार कार्ड पे सिर्फ ईयर मेंशन है तो आप लोग यहाँ पे टिक करो या फिर आप इसको छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल विथ UIDAI। तो आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, पहला कि आप लोग इमेज देखो और यहाँ पे कैप्चा कोड डालो, और दूसरा है विजुअली सेंड यूजर कैन यूज द विलो OTP ऑप्शन इंस्टेड ऑफ इमेज कैप्चा। तो दूसरा चीज़ है कि आप लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP करके भी अपना जो कैप्चा का वो है उसके जगह पे OTP मंगा के आप भर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे अपना जो कैप्चा यहाँ पे दिखा रहा है उसको ही आप भर दो। तो आपको यहाँ पे जो कैप्चा है उसको भर देना है। भरने के बाद आपको यहाँ जो लिंक आधार का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने भर लिया, अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, जो लिंक आधार का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको ओके करेंगे। अब जब आप लोग वहाँ पे सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज जो खुल जाएगा वहाँ पे होगा योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन ऑफ आधार, प्लीज़ चेक द स्टेटस लेटर बाई क्लिकिंग ऑन लिंक आधार हाइपर लिंक इन द होम पेज। अब आप लोगों को फिर से क्या करना है, यहाँ पे होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे क्लिक करोगे आप सिंपली अपने होम पेज पे आ जाओगे, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऐड दिखेगा, इसको आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद जो लिंक आधार का ऑप्शन हम लोग खोले थे उसको फिर से क्लिक करके हम लोगों को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ऑप्शन एक मिलेगा आपको कि क्लिक हेयर टू व्यू,
द स्टेटस इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड लिंक आधार रिक्वेस्ट। तो आपको जो क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है और उतना करने के बाद आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर देना होगा। और पैन नंबर देने के बाद उसके नीचे आपको अपना जो आधार संख्या है वह देना होगा। आधार संख्या देने के बाद आपको लिंक आधार की स्थिति देखे पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ा लोडिंग होगा और यहाँ पे आएगा कि आपका पैन आधार संख्या से जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं ऐसे अपना स्टेटस की जो हम लोग जोड़े हैं वो मेरे मतलब जो मेरा आधार कार्ड है वो मेरे पैन नंबर से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी अपना करके रखा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका पैन आधार संख्या से जुड़ा है और जो मेरा आधार नंबर है उसके लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप लोग इस वेबसाइट पे आके यहाँ से आसानी के साथ अपना आधार कार्ड अपने पैन नंबर से जोड़ सकते हैं और आपको इसके लिए बिल्कुल भी कहीं जाके कोई शुल्क नहीं देना होगा। अपने घर बैठे अपने स्मार्टफोन से आप लोग आसानी के साथ ये कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगता है और बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके बाद अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो।